लालगंज के बसंता घाट पे मौजूद है, जहां अब कटाव जो है गंडक नदी में तेज जलस्तर के बाद अब कटाव जो है तेज गति से जारी हो गई है। उसको लेकर स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट थी और उसके बाद देखिए यह कटाव को रोकने के लिए प्रशासन तमाम कोशिश कर रही है और लगातार जो प्रशासन की टीम है, मजदूर है, उस कटाव को रोकने के लिए लगातार लगे हुए हैं। लेकिन गंडक नदी में जो जलस्तर में जो तेजी है वह काफी बढ़ गई है, जिससे अब प्रशासन के लिए मुसीबत तो बढ़ ही गया है। लेकिन अब जो प्रशासन जो यहाँ पे वैशाली डीएम थे या आपदा विभाग के लोग थे, वह लगातार जो थे कटाव को रोकने के लिए उन्होंने अपनी टीम बनाई थी और उनकी टीम लगातार काम कर रही थी। लेकिन अचानक जो एक घंटे के अंतराल में जो जलस्तर बढ़ा है और कटाव जारी हुआ है, उससे अब प्रशासन के नाक में दम करके रख दिया है, क्योंकि जो उनकी टीम थी वह लगातार काम कर रही थी। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि जब टीम काम कर रही थी तो यह कटाव कैसे जारी हुआ। और देखिए ये मजदूर है, ये मजदूर जो है अपना काम कर रहे हैं, लगातार कटाव को किसी तरीके से रोका जाए, उस पर ब्रेक लगाया जाए, और लेकिन गंडक में जो जलस्तर है वह काफी बढ़ा हुआ है और उसको लेकर जद्दोजहद जो है वह जारी है और लगातार जो मिट्टी और बालू भरे बैग जो है उसको रख कर रोका जा रहा है कि किसी भी प्रकार का बांध में कोई सिंधवारी ना हो, जिससे अप्रिय घटना को रोका जाए और कोई बड़ा अप्रिय घटना नहीं हो। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके की कटाव है, क्या से किस तरीके की कटाव हो रही है यहाँ पे। पानी जो है बांधने के बाद बांध के तरफ से जो आ रही है, तटबंध के सुरक्षा के माने कार्य जो हुआ था उसके ऊपर जो भी पुराना मिट्टी था वो बहाव में कट रही है, जिसके सुरक्षा के लिए कि बांध तक नहीं जाए एनसी किया जा रहा है। इस काम को लगातार हम लोग जारी किए हुए हैं। कितने लोग लगे हुए हैं कटाव को रोकने के लिए? यहाँ लगभग 150 लेबर है जो टोटल निगरानी में, हर एक किलोमीटर पर दो दो लेबर दिन रात निगरानी कर रहे हैं। तो इससे पहले व्यवस्था आप लोगों ने नहीं किया जो अचानक कटाव? नहीं, व्यवस्था किया हुआ है। पानी जो है हर साल माने 4 लाख 4.5 लाख क्यों इसे लाता था, इस बार जो है 5.70 आ गया, तो जो आया है वो व्यवस्था नीचे किया हुआ है, बोरा लगा हुआ है, लेकिन ऊपर का जो मिट्टी है जिसको कटाव हो रहा है, जिसके कारण एनसी किया जा रहा है कि फिर इसके आगे नहीं बढ़े। कितने बोरे डाले जा रहे हैं इसमें? एक एनसी में 25 बोरे डाले जा रहे हैं। कब से काम जारी हुआ है, कब से कटाव जारी हुआ? दोपहर के बाद। कितने घंटे हुए कटाव? कटाव कोई खास नहीं है, हल्का फुल्का कटाव है, मतलब वही 4 घंटे के अंदर में कार्य किया गया। देखिए जो यहाँ पे काम करा रहे हैं ठेकेदार कहिए चाहे स्थानीय लोग कहिए, इन्होंने 150 लोगों को लगा रखा है, 150 मजदूर इस कटाव को रोकने के लिए लगे हुए। लेकिन देखिए जो लहर है, गंडक का जो लहर है वह देखने लायक है, जो गंडक काफी उबाल मार रहा है और लोगों के लिए यही अब मुसीबत जो है वह आने वाली है, और जिसे रोकने के लिए प्रशासन जो जिले के डीएम थे वो कई दिनों से बांध का निरीक्षण कर रहे थे। लेकिन अचानक जो दोपहर के बाद जब कटाव जारी हुआ तब प्रशासन के नाक में दम जारी है और लोग जो स्थानीय लोग हैं वो तो परेशान है, लेकिन प्रशासन भी अब पूरी तरीके से अलर्ट है। यहाँ पे मजदूरों को लगा दिया गया है कि किसी भी प्रकार के कटाव को किसी भी तरह से रोका जाए। करीब यहाँ 2000 से अधिक जो बालू के बोरे हैं उसको लाया गया है और उससे इस कटाव को रोका जाएगा।